बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उस्मान और आप देख रहे हैं नूरे हदायत यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पर्दे के फ़ायदे और नुकसानात के बारे में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पर्दे के फ़ायदे के बारे में बातचीत कर लेते हैं। वैसे तो पर्दे के बेशुमार फ़वाद हैं, लेकिन उनमें से चंद दर्ज ज़ैल हैं। पर्दा औरत की इज्जत व आबरू का मुहाफ़िज़ है। पर्दादार खातून का नसब महफूज है। पर्दे से शर्मगाह और नज़र की हिफाजत रहती है। पर्दा दिलों की पाकिजगी और तहारत का जरिया है। पर्दा नस्वानी हुसन का मुहाफिज है। पर्दा औरत की फितरती हया का तकाजा है। पर्दा छोटे बड़े के गुनाहों से रुकावट है। पर्दा मुसलमान औरत का शार है। बपर्दा औरत अल्लाह की हिफाजत में है। बपर्दा औरत अपने रब के ज्यादा करीब है। पर्दा औरत के लिए अफजल तरीन आमाल में से। पर्दा शैतान और उसके आलाकारों से बचाव का जरिया है। पर्दा तकवा का लिबास, इज्जत का तमगा और हया की दलील है। पर्दा औरत को फासिकों की शरारत से महफूज रखता है। पर्दा इंसान नुमा बेड़ियों की तेज नजरों से बचाता है। पर्दा औरत के दिलो दमाग का मुहाफिज है। पर्दा जना, बदनजरी और नजायज बातचीत से रोकता है। पर्दा वो ऐसा शरी हुक्म है जिसमें दीन और दुनिया का फायदा है। पर्दा माशरती अमन का जरिया है। पर्दादार खातून के लिए जन्नत के तमाम दरवाजे खुले हैं। पर्दा औरत के नेक होने की दलील है। पर्दादार औरत नेक औरत 70 औलिया की इबादत के बराबर अजर की मुस्तहिक है। पर्दे के नुकसान के बारे में देख लेते हैं। बेपर्दगी अल्लाह ताला से बगावत है। बेपर्दगी जहलियत और मगरबी तहजीब की तकलीद है। बेपर्दा औरत का तोहमत से बचना मुश्किल है। बेपर्दा औरत का नसब और आबरू की कोई गारंटी नहीं। औरत का बेपर्दा होना हया की कमी की दलील है। बेपर्दा औरत लोगों की बुरी नजरों का निशाना बनती है। बदनजरी के ये जहरीले तीर औरत के जिस्म और रूह को छलनी कर देते हैं। बेपर्दा औरत अल्लाह ताला की गैरत को ललकारने वाली है। बेपर्दा औरत आप इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकते। बेपर्दा औरत शैतान के जाल का बसहूलत शिकार हो जाती है। बेपर्दा औरत बाहर निकलती है तो शैतानी हमला की जिद में आ जाती है। बेपर्दा औरत हर वक्त अल्लाह की नाराजगी में है। बेपर्दा औरत पूरे माशरे और माहौल को खराब करने में बराबर की शरीक है। बेपर्दा औरत कब्र के अजाब में मुबतला रहेगी। एक लड़के की तरबियत एक फर्द की तरबियत होती है और एक लड़की की तरबियत पूरे खानदान की तरबियत होती है। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ही इंटरेस्ट लगी होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो से फायदा उठा सकें।